वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सहज जोशी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वेरियस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हेल्थ टिप्स को डिस्कस। आज मैं आपसे बात करूँगा कॉमन कोल्ड के बारे में। अगर आपको सर्दी जुखाम का परेशानी बना हुआ रहता है तो आप मेरा ये वीडियो आगे को देखते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड एक प्रकार का कॉन्टेजियस डिजीज़ है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत ईजिली फैलता है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो आपको कॉमन कोल्ड होने के बहुत अधिक चांसेस बने रहते हैं। कई तरीके के वायरस से ये प्रॉब्लम होता है और किसी को भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, चाहे बच्चे हों या एडल्ट एज में हों, किसी को भी ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली होता है। कॉन्टेजियस प्रॉब्लम है, वायरल की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, वायरसेस की वजह से ये प्रॉब्लम होता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत ईजिली ये फैलने लग जाता है। कॉमन कोल्ड अधिकतर बच्चों में इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए, अगर आपका इम्यून सिस्टम अगर जवाब दे जाए, अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो आपको कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम बहुत अधिक हो सकता है। कॉमन कोल्ड जिन व्यक्तियों को हो रहा होता है उनसे आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए और इन्फेक्टेड पर्सन के नज़दीक नहीं आना चाहिए। मतलब जिसको अगर कॉमन कोल्ड का परेशानी है, जिसको सर्दी जुखाम का परेशानी बना हुआ है, तो उसके आपको उससे थोड़े करीब नहीं रहना चाहिए, उसके करीब नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन वगैरह करना चाहिए। और जब भी कोई भी कॉमन कोल्ड का पेशेंट जब छींकता है, कोई भी जिसको कॉमन कोल्ड का पेशेंट छींक रहा होता है, तो उसको अपने छींकते समय हाथ ज़रूर लगाना नहीं चाहिए या हैंकरचिप उसको ज़रूर कर लेना चाहिए या अपना मुंह कवर करके रखना चाहिए। इसके जो कारण देखने को मिलते हैं, वैसे ये प्रॉब्लम होता है वेरियस टाइप के वायरसेस की वजह से कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम होता है। इसमें आपको लगातार छींकें आ सकती हैं, आपके आँखों से आंसू आ सकते हैं, सोर थ्रॉट, गले में आपको खराश वगैरह का प्रॉब्लम लगातार बना हुआ रहता है, आपको बुखार आ सकता है, शरीर में आपके दर्द हो सकता है और आपको थकावट सी हमेशा महसूस रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में भारीपन हो गया है, थकान आपको हमेशा बनी हुई रहेगी और आपको भूख प्यास आपकी कम हो जाएगी, भूख आपकी बहुत कम आपको भूख लगने लग जाएगी, आपको कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं करेगी, कफ आपके छाती में आपको जकड़न सी महसूस होगी, कफ का प्रॉब्लम आपको हो सकता है और रनिंग नोज, नाक बहने का प्रॉब्लम इसमें अधिक देखने को मिलता है। अगर आपको कॉमन कोल्ड का परेशानी है तो आप कॉमन कोल्ड के लिए सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है एलोपैथिक के बजाय। एलोपैथिक मेडिसिन हालांकि क्विक रिलीफ तो देती हैं लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर कर देती हैं और इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण ही ये प्रॉब्लम आपको बार बार होता है। मेरी तो इन मेरे सभी व्यूवर से ये सलाह है कि अगर आपको कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम है तो आपको इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ही यूज़ करनी चाहिए। अगर बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है तो बच्चों को भी आप एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह मत दीजिए। मैंने अधिकतर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखता हूँ कि जो बच्चे छोटे बच्चे हों, जैसे आपके 2-3 साल के बच्चे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के बच्चे आजकल एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं और उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है, इस कारण उनको जल्दी जल्दी ये कॉमन कोल्ड का परेशानी बना हुआ रहता है। इसी के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन इम्यूनिटी कमज़ोर वगैरह नहीं करती, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं और आपके प्रॉब्लम को जल्दी समाप्त करने में मदद करती हैं। चलिए बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस की। अगर आपको सर्दी जुखाम, बुखार, कॉमन कोल्ड का परेशानी है तो आपको सबसे पहले एक बायोकॉम्बिनेशन आता है, बायोकॉम्बिनेशन नंबर 6 इसका नाम है। बायोकॉम्बिनेशन नंबर 6 की आपको 5-5 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम यूज़ करनी है। 5-5 गोलियां, गोलियां की फॉर्म की मेडिसिन ये होती है, टैबलेट फॉर्म की मेडिसिन है। ईजिली 5 गोलियां मुँह पर डालनी है और मुँह पर डालने के बाद इनको चबाना है। चबाने के बाद थोड़ा सा या सिप ऑफ ल्यूक वॉर्म वाटर, थोड़ा गुनगुना पानी, आपको एक घूट गुनगुना पानी इसके साथ पीना है। और दूसरा एक आपको मैं सिरप बताता हूँ, फेरोसिन सिरप इसका नाम है। फेरोसिन सिरप बहुत अच्छा कॉमन कोल्ड में काम आता है, फीवरिश कंडीशंस में बहुत अच्छा काम आता है। फेरोसिन की आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम इसकी एक एक ढक्कन सिरप थोड़े से पानी में डाइल्यूट, 1-2 चम्मच पानी में आप इसके एक ढक्कन दवाई डाइल्यूट करके तीनों टाइम सुबह, दोपहर, शाम आप यूज़ कीजिए। आपको इसके बहुत असरदार और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मेरे तो सभी व्यूवर से ये सलाह है कि अगर आपके कोई नज़दीक में कोई बढ़िया होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आप उनसे भी जाके परामर्श ले सकते हैं। हालांकि आप मेरे द्वारा बताई गई इन मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, बुखार के लिए अगर आपके घर में आपको मेडिसिन रखनी है, वैसे ये प्रॉब्लम अधिकतर सभी के घर में ये प्रॉब्लम बना हुआ रहता है, तो मेरे सभी व्यूवर से ये सलाह है कि अगर आप इन दोनों मेडिसिन को अपने घर में रखेंगे तो आपको इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, अधिक मिलेंगे और आपको इसके बहुत असरदार और अच्छे रिजल्ट आपको
आपको मिलेंगे। तो मेरे उन सभी मेरे व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये दो नेसेसरी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं तो आप इनको अवश्य अपने घर में रखे रहिए। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ ये कॉमन कोल्ड पे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे किसी पर्टिकुलर व्यूवर्स को अगर कुछ परेशानी महसूस करते हैं, कुछ दिक्कत होती है, तो वो डायरेक्टली मेरे से फ़ोन कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।